चीन में कोरोना का कहर जारी है। देश के दो सबसे बड़े शहरों में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। इसके चलते यहां जनता में आक्रोश फैल गया। शंघाई में लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। इसी बीच बीजिंग में भी अब तक के सबसे गंभीर प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। यहां के दक्षिण पश्चिम में सोमवार को सभी नागरिकों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वायरस को फैलने से संबंधित सभी गतिविधियों की भी मनाही की गई है। साल का पहला चक्रवाती तूफान असानी मंगलवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और उड़ीसा के समुद्री इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कई जगहों पर बारिश भी होगी। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। 11 से 13 मई तक यहां बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हमले की टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक होने की वजह से बड़े अफसर जांच में जुटे हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के बाहर से यह हमला किया गया। नागालैंड के मोन जिले में पिछले साल 4 दिसंबर को हुई गोलाबारी की घटना की जांच पूरी हो चुकी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अब कानूनी पहलुओं पर जांच हो रही है। बता दें कि इस घटना में एक जवान समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। आर्थिक मंदी से जूझ रहा श्रीलंका अब गुस्से की आग में चल रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे से नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद उनके विरोधी भी उग्र हो गए। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं राजधानी कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया गया। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं।